क्योंकि ये कार्यक्रम हम सब का कहाँ पर हो आगे से ही आगे से हमारे बीच में उदयवीर भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनका यहाँ स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। अच्छा इकराम भाई हमारे अमर उजाला से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप एक बहुत बड़े पत्रकार भी हैं। आपकी बहुत सी किताबें आपकी जो है वो लिखी भी हैं, और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट किताब है वो आपने कौम का कोहनूर नाम से जो आपने किताब कौम का कोहनूर जो सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है वो आपकी किताब थी। उसी किताब को जब हमने पढ़ा तो हम लोग सब अपने आप को रोक नहीं पाए, और हमारी जो संस्था है मॉडर्न उर्दू शिक्षा समिति उसने ये निर्णय किया है कि हम आपको अलीगढ़ शिक्षा रत्न से यहाँ सम्मानित करें, और वो सम्मान देने के लिए हमारे बीच में गुरुजी से बड़ा शायद कोई सम्मान देने के लिए हो नहीं सकता। अब मैं अपने जो हमारे संस्था के लोग हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा। गुरुजी आप जाते शिव ले आइए, अरे ये नहीं पालक ये पूरा हो जाए उसके बाद में ठीक है। चलिए तो दोस्तों हमारे बीच में बहुत बड़े लोग मौजूद हैं। Yeah.
बहुत अच्छा। उधर भी भाई आदत सीट आइए एक मिनट। भाई पहले उनका करो। नहीं नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, उनका होगा। ऐसा लाइव चल रहा है, उनका हो तो भी जाएगा। अच्छा पहले उनका दोस्तों, हम अलीगढ़ सम्मान से भाई विक्रांत भारती जी, जो बहुत बड़े पत्रकार हैं और हमारी अलीगढ़ की शान है, मैं हमारे अपने डॉक्टर यशपाल सिंह जी से गुजारिश करूंगा कि माला डाल के जोरदार तालियों के साथ आगे आगे करूँगी आप सभी, ताकि लोग भी देखें। जोरदार तालियों के साथ भाई राम भाई का स्वागत। और ये शाल से स्वागत, ये हमारी सरसा की ओर से आपका स्वागत है। ये अलीगढ़ शिक्षा रत्न के नाम से हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। भवन में पास सर, आज किस तरह, एक मिनट, किस तरह का महसूस कर रहे हैं ऐसा सम्मान पा करके? मैं तो सबसे पहले बाबा फरीद और जाकिर भारती का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो मुझे इस लायक समझा कि सम्मान शिक्षा रत्न गौरव से सम्मानित किया है, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। किसान बन कि इन्होंने हमारी कलम की काबिलियत को समझा। हालांकि मैं अभी तो ये नहीं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से एकदम मास्टर हूँ, मैं तालिबे इल्म हूँ, अभी सीख रहा हूँ और ये अभी मेरी मंजिल नहीं है, मेरा पड़ाव है, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। थैंक यू। गुरुजी आज किस तरह के कार्यक्रम रहा है और किस तरह का आशीर्वाद देना चाहेंगे? आज का जो कार्यक्रम है उसमें एक रमाशी को जो सम्मानित किया गया है, निश्चित रूप से वो सम्मान के लिए डिजर्व करते हैं। और हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि जिस तरह से अमर उजाला की पत्रकारिता में जिस तरह से वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और मैं बाबा फरीद को और उनके सभी साथियों को, उनके साथियों को बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करूँगा कि ऐसे योग्य व्यक्ति को उन्होंने सम्मानित किया है। धन्यवाद। बाबा आज किस तरह के आयोजन रहे हैं, क्या कहना? देखिए हमारी सोसाइटी है मॉडर्न उर्दू शिक्षा समिति, वो पिछले 18 साल से राजकीय औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी में जो है राष्ट्रीय उर्दू शिक्षा सम्मेलन में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करती है। और हमारा एक लक्ष्य है कि जो शिक्षा से वंचित है हम उसको शिक्षा हासिल कराने के लिए उसका पूरा सहयोग करें। इसी के तहत हम जो शिक्षा से जुड़े हुए होते हैं या पत्रकारिता में या समाज सेवा में, उनको हमारी संस्था जो है सम्मानित करती है। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि आम गरीब आदमी के तक शिक्षा को हम इतना आसान कर दें कि उसी शिक्षा हासिल करने के लिए किसी तरह की दुश्वारियाँ ना हो। और आज आप देखेंगे कि ऐसे क्षेत्र से लोग आ रहे हैं जो जहाँ पर शिक्षा का बहुत अभाव है। एक शहर का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र जो भुसपुरा है, वहाँ के आपने बच्चों को देखा कि किस तरीके से बच्चों ने यहाँ रंगारंग कार्यक्रम, देशभक्ति के कार्यक्रम किए, आपके सामने प्रस्तुत है और वो एक मिसाल यहाँ से बनकर जाएगी। और हम सब यही कामना करते हैं, आपने जितने भी हमारे अतिथि आए या हमारे बच्चे आए, कि उनका भविष्य उज्जवल हो और वो कामयाबी के जो है काम करें, हमारे देश में एकता और भाईचारे का पैगाम आम हो और हम सब लोग अपने देश के लिए काम करें, यही हम सबका आज का इस कार्यक्रम का उद्देश्य है।